मुरादाबाद में आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर आकर प्रदर्शन करते हुए मुरादाबाद में बढ़ती आपराधिक घटनाएं लूट के संबंध में एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शिव सैनिकों ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार में अपराध मुक्त अपराधियों को संरक्षण देने वाले व अपराध करने वालों के साथ शासन व प्रशासन द्वारा अपराधियों को जेल भेजने की कार्यवाही की घोषणाएं समय समय पर की। मुरादाबाद जिले में महानगर में भी पुलिस द्वारा अपराधियों का अपराध करने वाले व अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही पुलिस के उच्च अधिकारी द्वारा की गई, लेकिन कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश पर सख्ती से पालन न करने वाले वह राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थाना अध्यक्षों व अपराधियों के कारण मुरादाबाद में दिन प्रतिदिन मुरादाबाद महानगर व जिले के अपराधियों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। अपराधियों द्वारा खुलेआम लूट, हत्या, महिलाओं के साथ शोषण व मॉर्निंग वॉक पर महिलाओं में नागरिकों के साथ लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आज शिव सैनिकों ने ज्ञापन के द्वारा मांग की है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मैं वीरेंद्र लोढ़ा, शिवसेना का जिला प्रमुख हूँ। यहाँ किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन? आज अपराध जो जिस तरह से नए अपराध बढ़ रहे हैं, एक तरफ से घोषणाएं भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हो रही है अपराध और अपराधियों के खिलाफ हो रही है। आप आज मुरादाबाद की स्थिति देखो, दिन प्रतिदिन भयग्रस्त होती चली जा रही है। अपराध बढ़ रहे हैं, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, और जो सबसे ज़्यादा खराब घटना बढ़ रही है महिलाओं का शोषण। और महिलाओं के साथ जो ये दो दिन पहले बुद्धि विहार में घटना हुई, ये सुबह सुबह चैन स्निचिंग हुई, उससे पहले भी सुबह सुबह लगातार घटनाएं, मॉर्निंग वॉक और सुबह घूमते वक्त रात को जो बढ़ रही हैं, ये सारी घटनाएं बड़ी ख़राब हैं, प्रश्नचिन्ह लगाने वाली हैं। 50 दिन लोग अपराधियों को सिर्फ गिरफ्तारी के लिए, मतलब नाम जब लोगों की गिरफ्तारी के लिए लोगों को यहाँ पर धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। कि आपने इससे पहले देखा होगा कि एक परिवार की लड़की जब गायब हो गई तो उसके लिए उन्होंने लगातार 50 दिन 52 दिन SSP महोदय के घर यहाँ धरना दिया। और इसी सब विषयों को लेकर के आज हमने बात करी है, क्योंकि लगातार, और देखो शासन की बात देखें आप, कि लगातार SSP 3 SSP 6 महीने में बदल दिए प्रशासन ने। अब किस तरह से हम सब लोग यही सब विषयों को लेकर के आज हम मिले हैं। और हमारा दूसरा कहना ये है कि कुछ लोगों को, आपराधिक लोगों को और कुछ थाना अध्यक्षों को, पुलिस लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी यहाँ पर प्राप्त है, जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। आज आप कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने आपको क्या आश्वासन? कप्तान साहब तो मीटिंग में थे, कप्तान साहब की जगह हमें CO कटघर जो है उन्होंने ये ज्ञापन लिया। उन्होंने ये कहा कि हम कप्तान साहब से आपकी बात भी कराएंगे इस विषय में, और कप्तान साहब को ये सारी बातें बधाई भी दी गई हैं। और हम सब लोग इसी विषय पर लगे हुए हैं कि किसी तरह ये अपराधों को रोका जाए, और सारी बातों पर यही तय हुआ कि एक बार आप कप्तान साहब से दोबारा भेंट करी जाए।